जिले में कोरोना के संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर इजाफा हो रहा है, साथ ही अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बीते कल जावद निवासी एक 65 वर्षीय वृद्धा की मृत्यु हो गई। वहीं आए दिन नए कोरोना के संक्रमित मरीज भी सामने आ रहे हैं। जिला प्रशासन को मंगलवार को 3 अलग अलग लैब से सैंपल रिपोर्ट्स प्राप्त हुई, जिसमें एक नया संक्रमित मरीज मिला है। मंगलवार दोपहर अस्पताल की लैब से 18 सैंपल की रिपोर्ट्स प्राप्त हुई, जिसमें एक पॉजिटिव व 17 सैंपल नेगेटिव निकल कर आए हैं। एक नया पॉजिटिव चीताखेड़ा से सामने आया है। इसी तरह से शाम को रतलाम की लैब से 42 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो सभी सैंपल नेगेटिव निकल कर आए हैं। इसके बाद अस्पताल की लैब से 37 सैंपल की रिपोर्ट्स प्राप्त हुई, जिसमें 37 ही सैंपल नेगेटिव निकले हैं। हालांकि मंगलवार को कोरोना के ज्यादा संक्रमित मरीज सामने नहीं आए, लेकिन रोजाना संक्रमितों के आने से जिले के लिए यह एक चिंताजनक विषय है। इस तरह से अब जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 477 है, जिसमें से अब तक 440 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह से अब जिले में कोरोना के एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 26 है।